हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मानवेंद और आप देख रहे हैं मानवेंद वर्कआउट लवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बॉडी बिल्डिंग की कुछ न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। हमारी सबसे पहली न्यूज़ है रूबल धनकर भाई के बारे में। दोस्तों, रूबल धनकर भाई ने ये पिक अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की और बताया कि उन्होंने 2 साल से लेग वर्कआउट नहीं किया। उनकी लेग में इंजरी हो गई थी इसके कारण, लेकिन फिर भी उनके लेग में अच्छा साइज मेंटेन है और लेग में डीप कट भी नज़र आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, रूबल भाई ने इस पिक के कैप्चर में बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की है, जैसा कि आप देख सकते हो। मेरी लेग इंजरी के कारण मैं पिछले 2 साल से लेग ट्रेन नहीं कर पाया हूं, बट थैंक्स ऑफ माय जेनेटिक्स मेरी लेग भी मेरे फादर की तरह गॉड गिफ्टेड है और 2 साल बिना ट्रेन किए भी साइज मेंटेन है। मुझे रेगुलरली फीडबैक मिलता है कि मुझे क्लासिक फिजिक में कम्पीट करना चाहिए, लेकिन मेरी लेग इंजरी के कारण मैं कॉन्फिडेंट नहीं था क्लासिक फिजिक के। तो दोस्तों, इस कैप्चर से तो हमें यही पता लगता है कि रूबल भाई क्लासिक फिजिक में स्विच कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा उन्होंने किया तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उनमें बहुत ही पोटेंशियल है, वो क्लासिक फिजिक में अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, रूबल भाई के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, दूसरी न्यूज़ है सेरू क्लासिक कैंसिल हो चुका है। हमने एक वीडियो डाली है सिद्धार्थ भाई की, आप उसे देख सकते हैं। तो कंपटीशन कैंसिल हो गया, और मतलब मुझे जो पता चला है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप वेट करना इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। तो जिस कंपटीशन की मैं तैयारी कर रहा था प्रो क्वालिफायर, तो वाया पता चला है कैंसिल हो गया। और जैसा मैं प्रेप कर रहा था, मेरे साथ मतलब और भी लोग प्रेप कर रहे थे, और लोगों ने भी अपने पैसे मेहनत एफर्ट सब कुछ लगाया था, जो कि अभी जीरो हो गया। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ ये था कि जैसे मैं मतलब मुझे बुरा लगा कि मैं इतने टाइम से प्रेप कर रहा था, इतने टाइम से मेहनत कर रहा था, ऑलमोस्ट जो होता है मतलब आप लास्ट ईयर से आप बोल सकते हो, तब से मैं लगा हुआ था। तो अभी ये पता चला कि कैंसिल हो गया, तो बहुत सारे मतलब पैसे लगे थे, मेहनत लगा था, एफर्ट लगा था बहुत सारे लोग का, मेरे साथ साथ और लोगों का भी जो होता है मतलब उसमें एफर्ट लगा था। तो अब देखो, जब कोई भी चीज़ें हमारे साथ होती हैं तो उसमें हम लोग 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो ये है कि मतलब पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। तो अभी देखो, कंपटीशन कैंसिल हुआ तो कोई बात नहीं, मतलब प्रॉब्लम तो अभी बता दिया। अब मैं थैंक्सफुल हूँ ऊपर वाले का, भगवान का, कि चलो मैं सही सलामत अपने घर में हूँ, मतलब हॉस्पिटल में नहीं हूँ। अभी के टाइम पे ऐसा सिचुएशन है कि कितने लोग जो होता है मतलब यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किसी को मेडिसिन नहीं मिल रहा है, तो कोई किस तरीके से परेशान है। मैं तो यार एटलीस्ट चलो कम से कम सही सलामत अपने घर पे बैठा हूँ, और मेरे पास प्लेस है ट्रेनिंग करने को, मैं ट्रेन कर रहा हूँ और फिट हूँ और हेल्दी हूँ। तो आप लोग को भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि कोई बात नहीं यार, निराश मत हो, अभी फिर से अपने को मौका मिलेगा, फिर से हम लोग अच्छी तैयारी कर लेंगे और अच्छे से जो होता है सब कुछ कर लेंगे। तो ये तो रही कॉम्पिटिटर की बात, जो लोग तैयारी कर रहे थे जिनका कॉम्पिटिशन कैंसिल हुआ, तो कोई बात नहीं यार, आप और मेहनत करो और अपना लेवल अप करो, नेक्स्ट अनाउंसमेंट का वेट करो, जब अनाउंसमेंट होगा तो फिर और अच्छे से हम लोग तैयारी कर लेंगे और अच्छे से अपना फिजिक जो होता है डेवलप कर लेंगे।